स्टमक में दर्द होता था लगातार खाना खाने के बाद, यही आपका रूटीन था, लेकिन अब स्टमक पेन गायब हो गया, ऐसे ही आप बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो स्टमक पेन अगर है तो क्यों है स्टमक पेन, कोई भी दर्द क्यों होता है? दर्द तभी होता है जब वहाँ पे कोई इंफ्लेमेशन, कोई घाव हो, है ना, कोई इन्फेक्शन हो, यही दर्द का कारण है। और अगर उसमें अगर आपने पैरासीटामोल वगैरह लेके उसको ठीक करने की कोशिश किया तो वो घायल ट्यूमर में बदल जाएगा, अल्सर में बदल जाएगा, कैंसर में बदल जाएगा। लेकिन अगर उस वक्त आपने, जब भी स्टमक में किसी को इशू है, अगर उस वक्त आपने फास्टिंग किया 24 घंटे बस कोकोनट वाटर फास्टिंग, तो जो इन्फेक्शन है स्टमक मुंह से लेके पेट तक, जो चीज़ें बड़ी तेज़ी से ठीक होती हैं, बहुत ही तेज़ी से ठीक होती हैं, तो वो इन्फेक्शन हील हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हील हो जाएगा। कैसे पता चलेगा हील हो गया? जब वो पेन चला जाएगा। मान लो आपको अभी पेन है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ये करना चाहिए कि जब तक पेन है तब तक हम कुम्ड फूड जीरो कर दें। आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। आप मान लो यहाँ पे कट जाता कहीं पे, या काटिए थोड़ा सा, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना है जिनको, और उसमें अगर आप डेटॉल डालेंगे तो जो कि करते ही हैं, तो क्या होगा, जलता है ना, हमें लगता है वो जल रहा है ना, वो हमें ठीक कर रहा है, क्योंकि ऐसा है नहीं। उसमें अगर आप कोई भी वेजिटेबल का जूस डालिए, पालक का जूस, बीटरूट का जूस, तो जलेगा नहीं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसको थोड़ा बहुत हिम्मत है, इधर एक काटिए, इधर एक काटिए, एक जगह डिटॉल वगैरह पट्टी वट्टी जो लगाना लगाइए, दूसरी जगह किसी भी पालक का जूस या चुकंदर का जूस डाल दीजिए। अब देखिए हीलिंग किसकी फास्ट होती है, हीलिंग ही फास्ट नहीं होगी, वो जो निशान है वो भी नहीं रहेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये तो इंजरी बाहर देख रहे हैं, स्टमक के अंदर वैसी इंजरी होगी जो आप देख नहीं पा रहे हैं। अब स्टमक के अंदर उस इंजरी को कैसे दवाई पहुंचाएं, वही जूस आप पी लीजिए। लेकिन अब इसका उल्टा कीजिए कि कहीं कट गया, वहां पे आपने नमक मिर्च डाल दिया तो क्या होगा, और जलेगा, ठीक नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब कि वही वाली इंजरी अंदर पेट में है, तो हमें नमक मिर्च नहीं डालना है, हमें ऑयल नहीं डालना है, हमें ब्रेड पकौड़ा नहीं डालना है। कब तक? एक दिन, दो दिन या तीन दिन। क्यों? क्योंकि स्टमक के चीज़ें या स्टमक से आसपास के ऑर्गन्स के वो बड़ी जल्दी ठीक होती है, उनकी हीलिंग पावर बड़ी फास्ट है ना। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे पूजा रानी है, यहाँ हाँ पीछे बैठी हैं, ठीक है। आपका बैक पेन था पहले 5 के स्केल पे, हाईएस्ट 5 मान लेते हैं, तो अब 5 से रिड्यूस हो गया, वो 3 तक पहुंच गया। हमारा इरादा 0 तक पहुंच जाए, तो 0 तक हो सकता है कि ये 3 दिन में ना पहुंचे, हो सकता है 1 महीना लगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी चीज़ यहाँ पे हो रही है उसको आप सीखें, सिखाई रहे ना, और जब आप घर जाएंगे तो वो कर पाएँ, तो उसके लिए जो ऑयल्स वगैरह हैं वो भी हम पैक कर रहे हैं, वो भी आपको कल रेस्पेक्टिव जिनको जो जरूरत है वो वाला ऑयल आपको देंगे, ताकि वो घर पे भी आप कर पाए। तो पहले तो आपको स्किल बढ़ाना है, वो सीखना है, और उसके बाद वो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कंप्लीट किट, वो आपको दिया जाएगा। कल जब जाएंगे तो वो 0 वोल्ट बेडशीट है वो एक पैक करके आपको दिया जाएगा, ताकि जो सेटअप यहाँ पे उसका सिमिलर सेटअप घर पे आप करें। तो 3 दिन में, क्योंकि ये काफ़ी समय से जो बीमारियां हैं वो 3 दिन में अगर ये निशानी दिखा रही कि थोड़ा बहुत भी ठीक हो रहा है, तो एक उम्मीद है कि वो आगे जाके और भी ठीक होगा।